वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में हम क्विज से रिलेटेड अपने सब टोटल को सॉल्व करने वाले हैं और सॉल्यूशन देखते हैं पहले क्वेश्चन से, जहां पर हमें हर बच्चे के मार्क्स का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब टोटल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा को सिलेक्शन कर लेना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप हर बच्चे का यहाँ पर टोटल करना चाहते हैं तो सबसे पहला आपका काम है उसको ऑर्डर में सेट करना। आपको जाना है होम टैब के अंदर, जाना है शॉर्ट के अंदर और शॉर्ट ए टू जेड करते हुए बच्चों के नाम को शॉर्ट कर लेना है और उसके बाद जाना है डेटा टैब के अंदर सब टोटल कमांड्स पर। यहाँ से आपको हिंदी, इंग्लिश और टोटल का जो सब टोटल करना है वो आप टिक करते हुए यहाँ पर यूज़ फंक्शन से ले लीजिए सम, क्योंकि हमें उन सभी का सम चाहिए इन कॉलम्स का। और जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आप देखेंगे हर बच्चे का फाइनल अमाउंट का यहाँ पर टोटल हो चुका है। तो ग्रैंड टोटल से मतलब हमारा है हर बच्चे का इंडिविजुअल टोटल, साथ ही साथ पूरा जो भी तीनों बच्चों का मार्क्स है उनका ग्रैंड टोटल भी यहाँ पर विजिबल हो रहा है। इस तरीके से एक और क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है मंथ के अकॉर्डिंग, और मंथ में हमारा डेटा ऑलरेडी सेट है तो यहाँ पर हमें शॉर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर शॉर्ट नहीं होता तो फिर हमें जाना होता शॉर्ट के अंदर कस्टम शॉर्ट पर और हम यहाँ से सिलेक्ट कराते टर्म, जिससे हमारा डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग मंथ के अकॉर्डिंग सेट हो जाता। अब अगर हम यहाँ से वापस से इसको चेक करें, हमें सब टोटल करना है, डेटा के अंदर हमें जाना है सब टोटल पर और यहाँ से आपको सैलरी पर कर देना है टिक। फिर से आपको यहाँ पर ले लेना है ऊपर से सम और जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर मंथ के अकॉर्डिंग सम शो नहीं हो रहा है। कंट्रोल जेड आप वापस कीजिए, आप जाइए वापस से सब टोटल पर और ऊपर एट ईच चेंज इन टर्म आपको यहाँ से सिलेक्ट करा लेना है। अब क्या होगा कि आपका टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब टोटल हो रहा है। फरवरी में कितना सेल हुआ है, सैलरी दी है एम्प्लॉय को, जनवरी में कितना दिया गया है एम्प्लॉय को और मार्च में कितना दिया गया है, उन सभी का टोटल के साथ साथ फाइनल ग्रैंड टोटल यानी कि टोटल सैलरी ऑफ 3 एम्प्लॉय यहाँ पर शो हो रहा है तीनों मंथ का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर हमें जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा को सम करवाना है। तो आज जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में था कि हमें वहाँ से टर्म लेना था, अब हमें यहाँ से जोन लेना है। सब टोटल पे जाते हुए हमें सेल को यहाँ से टिक करना है, सम को यूज़ करना है क्योंकि हम इनका सम करना चाहते हैं वो भी जोन के अकॉर्डिंग। और जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जोन के अकॉर्डिंग उनका टोटल शो हो रहा है। तो ये थी हमारी सब टोटल कमांड। होपफुली सब टोटल कमांड्स कैसे यूज़ करते हैं वो आप सीख चुके हैं। अगर आप सब टोटल को वापस हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिमूव ऑल करके उसे वापस से पहले जैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है ट्रेसिंग डेटा से रिलेटेड। ट्रेसिंग डेटा में हम डेटा को ट्रेस कैसे करेंगे, वही हमें करना है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है कि हमें सारे जो सेल हैं उनकी प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स को चेक करना है। जो भी एम्प्लॉय की सैलरी के नाम आप यहाँ देख रहे हैं कर्सर रखते हुए जहाँ आपको बॉर्डर मेंशन किया गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन 2 में आप देखेंगे डिफाइन नेम एंड शो टोटल सैलरी। आप देखेंगे नीचे की तरफ एरर शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर नाम को जोड़ा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हमने अभी तक नाम डिफाइन नहीं कराया है। तो डिफाइन नेम करते हुए हमें इनकी सैलरी का टोटल इनके नाम से ही कराना है, तो ये आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको एरर चेक करना है कि यहाँ एरर क्यों आ रही है। एरर B4, B5, B6 एंड B7 में जो एरर है, नंबर्स के सेल को हमने जोड़ा है लेकिन एरर आ रही है, उसका रीज़न आपको पता करना है क्यों आ रही है, वो भी आपको ट्रेस करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ से नेट टैक्स जो दिया गया है उसके सारे प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स को चेक करना है। तो ट्रेसिंग कैसे करेंगे वो आप फाइल को डाउनलोड करने के बाद अपने एंड से इसको ट्राई कीजिए। इसका सॉल्यूशंस मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसके लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।